भारतीय टीम T20 विश्व कप चैंपियन बन चुकी है। शनिवार को टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप ट्रॉफी उठाई और 11 साल के ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। भारत ने पिछली बार 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, वहीं 2007 के बाद पहली बार भारत ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया के इस जीत में वैसे तो कई मैच विजेता रहे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का किरदार सबसे अहम रहा। टीम चयन से लेकर चैंपियन बनने तक रोहित ने फ्रंट से टीम को लीड किया। न सिर्फ कप्तानी में अहम फैसले लेने में बल्कि खुद आगे बढ़कर रन बनाने में भी हिटमैन अव्वल रहे। बतौर कप्तान वो टीम इंडिया के चैंपियन बनने में नायक रहे हैं। रोहित की कप्तानी में पिछले 8 महीने में टीम इंडिया 2 ICC विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। इस दौरान भारतीय टीम ने 19 में से 18 मैच जीते हैं। सिर्फ एक मैच जो टीम इंडिया हारी है वो है 2023 वनडे विश्व कप का फाइनल। यानी रोहित की कप्तानी में दोनों ICC टूर्नामेंट में भारत ने कुल 95% मैच अपने नाम किया है। ऐसे में रोहित इस जीत के पीछे असली हीरो रहे हैं। पिछले एक साल में भारत ने 3 ICC टूर्नामेंट का फाइनल खेला। इसमें 2023 वनडे विश्व कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप के अलावा 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रहा है। रोहित टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर ICC फाइनल में कप्तानी करने वाले सिर्फ दूसरे कप्तान हैं। रोहित से पहले न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने ऐसा किया है, लेकिन विलियमसन ने भी ऐसा कई वर्षों के अंतराल पर किया था। वहीं रोहित शर्मा ने पिछले एक साल के अंदर अंदर अलग प्रारूपों के ICC टूर्नामेंट्स के फाइनल में टीम इंडिया को पहुंचाया है। पिछले 2 फाइनल में तो वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार T20 में उन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बना दिया। वो बतौर कप्तान ICC विश्व कप के फाइनल में भारत की कप्तानी करने वाले दूसरे सबसे सफल खिलाड़ी रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 T20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2014 T20 विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। वहीं रोहित ने 2 ICC फाइनल में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इसमें 2023 वनडे विश्व कप और 2024 T20 विश्व कप शामिल है। पिछले 8 महीने में 2 ICC टूर्नामेंट यानी 2023 वनडे विश्व कप और 2024 T20 विश्व कप में भारत का दबदबा रहा है। रोहित ने इस दौरान 18 पारियों में 49.70 की औसत और 133.5 के स्ट्राइक रेट से 845 रन बनाए हैं। रोहित ICC टूर्नामेंट्स में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने तीनों प्रारूपों को मिलाकर ICC टूर्नामेंट्स में 116 मैचों में 5,819 रन बनाए हैं। इसमें 17 शतक और 29 अर्धशतक शामिल है। रोहित शर्मा अब तक ICC टूर्नामेंट्स में एक चैंपियन कप्तान रहे हैं। चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात हो या फिर 2023 वनडे वर्ल्ड कप, रोहित की गेम प्लानिंग शानदार रही है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित आयरलैंड के खिलाफ ओपनिंग मैच में अर्धशतक लगाने के बाद अगले कुछ मैचों में फेल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन की तूफानी पारी खेलकर दिखाया कि वो क्यों बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अर्धशतक लगाया और इतिहास रच दिया। वो T20 विश्व कप के नॉकआउट मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ था और रोहित मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो उनसे काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए थे। रोहित की आलोचना हुई थी कि क्यों सिर्फ 3 मुख्य तेज गेंदबाजों के साथ टीम इस अभियान पर जा रही है। तब रोहित ने बड़ी सहजता से जवाब दिया था कि वो इसका जवाब तब देंगे जब वो वेस्टइंडीज में मैच खेल रहे होंगे। अमेरिका में भारत के पहले लेग के दौरान न्यूयॉर्क में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया वेस्टइंडीज पहुंची, स्पिनर्स का किरदार महत्वपूर्ण हो गया और भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतरी और जीतती चली गई। इस तरह से रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए न सिर्फ कप्तान बल्कि एक विश्व विजेता कप्तान बनकर उभरे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।